नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शमी के औषधीय गुणों के बारे में। जी हाँ, आमतौर पर लोग शमी के फायदे के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। विजयदशमी के दिन शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है। हवन के द्रव्यों में शमी की लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। अधिकांश लोगों को केवल इतना ही पता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि शमी एक औषधि भी है जिसका इस्तेमाल बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाता है। आप कफ, पीत, विकार, खांसी, बवासीर, दस्त आदि में शमी के फायदे ले सकते हैं। इसके साथ साथ रक्तपित्त, पेट की गड़बड़ी, सांसों की बीमारियों में भी शमी से लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं शमी के सभी औषधीय गुणों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं शमी क्या है। शमी का वृक्ष 9 से लेकर 18 मीटर ऊंचा, मध्यम आकार और हमेशा हरा रहता है। इसके वृक्ष में कांटे होते हैं। इसकी शाखाएं पतली, झुकी हुई और भूरे रंग की होती है। इसकी छाल भूरे रंग की, फटी हुई तथा खुरदुरी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं शमी के औषधीय गुण के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आंखों के रोग में शमी से लाभ। ताम्र के बर्तन में शंख को दूध से घिस लें। इसे घी युक्त जौ तथा शमी के पत्तों की धूप दिखाकर आंखों में लगाएं। इससे आंखों का दर्द ठीक होता है। लोहे के बर्तन में गुलर के कच्चे फल को गाय के दूध के साथ घिस लें। इसे घी युक्त शमी के पत्तों की भूम दें। इसे आंखों में लगाने से आंखों के जलन, दर्द, लालिमा, पानी बहना आदि विकार ठीक हो जाते हैं। कंठकारी, दालचीनी, मुलेठी तथा ताम्र भस्म को बकरी के दूध के साथ पीस लें। इसे घी युक्त शमी तथा आंवले के पत्तों की धूम देकर आंखों में लगाएं। इससे आंखों का दर्द और सूजन ठीक होता है। कौड़ी को यानी कि कॉन्च सेल को गाय के दूध के साथ घिसकर तांबे के बर्तन में रखें। इसे घी युक्त शमी के पत्तों को धूम देकर प्रयोग करने से आंखों के रोगों में बहुत लाभ होता है। दस्त में शमी के सेवन से फायदा। बराबर मात्रा में अड़लू, तिंदूक, अनार, कुटज तथा शमी की छाल को चूर्ण कर लें। इन्हें कांजी, गुनगुना जल या मधु के साथ सेवन करें। इससे पेट के रोग जैसे दस्त पर रोक लगती है। बराबर मात्रा में शमी के कोमल पत्ते तथा मरीज से बने पेस्ट का सेवन करें। इससे दस्त में लाभ होता है। पेचिस में शमी के सेवन से लाभ। पिपली, शॉट, शमी, बेल के वृक्षों के पत्तों से बनाए हुए बिलोपी और तेल सहित बनाए गए अपूप यानी कि पुआ तथा पेस्ट का सेवन करने से पेचिस में लाभ होता है। शमी की छाल या पत्ते के काढ़ा का सेवन करने से भी पेचिस में लाभ होता है। बवासीर में शमी के प्रयोग से लाभ। बवासीर के मशों पर अभ्यंग के बाद अर्कमूल तथा शमी की पत्तियों के धूम से धूमन करें। इससे लाभ होता है। अनीमिया रोग में शमी का उपयोग लाभदायक। शमी के नए कोमल पत्तों के पेस्ट 1-2 ग्राम में बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें। इससे सेवन करने से अनीमिया रोग में काफी लाभ होता है। मूत्र यानी पेशाब रोग में शमी के प्रयोग से फायदा। शमी के पत्तों को पीसकर गुनगुना करें। इसे नाभि के नीचे लगाने से पेशाब के रुक रुक कर आने और पेशाब में दर्द होने की समस्या से लाभ होता है। 15-20 ग्राम शमी के पत्तों के रस में जीरा चूर्ण तथा मिश्र मिला लें। इसे पिलाने से मूत्र संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज में शमी का उपयोग फायदेमंद। 2-4 ग्राम शमी के कोमल पत्तों में 500 मिलीग्राम जीरा मिलाकर महीन पीस लें। इसे 200 मिलीलीटर गाय के दूध मिलाकर छान लें। इसमें 1 ग्राम गुड़हल की जड़ का चूर्ण तथा 4 ग्राम मिश्र मिलाकर पिलाने से डायबिटीज में लाभ होता है। गर्भस्राव में शमी का प्रयोग।
समी के फूल के चूर्ण 1 से 3 ग्राम में बराबर मात्रा में शंकरा मिलाकर सेवन करने से गर्भ का पोषण होता है। गले के रोग में शमी का इस्तेमाल। शमी मूली बीज, सहजन के बीज, जौ एवं सरसों को कांजी से पीसकर पेस्ट बना लें। इसका लेप करने से ग्रंथि तथा गले के रोग में लाभ होता है। रोम विकार में शमी का उपयोग। केला तथा सोना पाठा के भस्म में हड़ताल नमक शमी के बीज मिला लें। उसे शीतल जल से पीसकर लेप करने से रोम छिद्र विकारों में लाभ होता है। विसर्प रोग में शमी का इस्तेमाल। शमी के पत्तों को पीसकर दही मिलाकर लेप करने से जलन वाले विसर्प रोग में लाभ होता है। बिच्छू के डंक मारने पर करें शमी का उपयोग। शमी के तने की छाल को पीसकर बिच्छू के डंक मारने वाले दंश स्थान पर लगाएं, इससे काफी लाभ होता है। सांप काटने पर भी शमी का प्रयोग। शमी की छाल में बराबर मात्रा में नीम तथा बरगद की छाल मिलाकर पीस लें। इससे सांप के काटने से होने वाले दुष्प्रभाव से लाभ होता है। तो दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।